प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वो सभी छात्र जो निमसेट 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत इजी क्वेश्चंस कम समय में क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ठीक है, वो सभी छात्र जो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत कम समय रह गया एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये टॉपिक आपको पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, अच्छे से तैयार होने चाहिए, जिससे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम समय में हम इस क्वेश्चन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस लेके आए हैं कि उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है 3 क्वेश्चंस को 3 मिनट्स में जो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन जो इसका ऑब्जेक्टिव मेथड है कम समय में लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोशिश किया जाएगा बच्चे जो सिमेट्री रूल का ज्यादा यूज करें, ठीक है, या लॉक्सपिटल रूल का ज्यादा यूज करें, जिससे उनको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, ये सारे क्लासेज रिवीजन क्लास में हम लोग के चल रहे हैं, जिससे कि बच्चों को कम समय दिया जाएगा, स्पीड चेक किया जा रहा है कितने बच्चे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन, जो है जेई मेंस का भी क्वेश्चन है और ऐसे भी निमसेट बीएचयू हर जगह जो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चेक करना है कि कितने बच्चे कम समय में क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट समय है, जो बच्चे जितने फास्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका समय स्टार्ट हो जाता है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना शुरू करिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करिए जो है, चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय देंगे हम इस क्वेश्चन पे, 1 मिनट का समय। ठीक है बच्चे, 1 मिनट का समय है आपको लगाने के लिए, कोशिश करिए कि 1 मिनट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलिए बच्चों का आंसर आना भी शुरू हो गया, जल्दी करिए बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर कई बार आपको रिपीट किया गया है क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब इसका मेथड जो है बच्चों को आ जाना चाहिए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट समय देंगे जो है क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट समय देंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम जो है एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करें, देखते हैं कितने बच्चों का आता है। ठीक है, आ गया बच्चों का। ठीक है, कुछ बच्चों का ए ऑप्शन आया, बी आया, सी आया। ठीक है, कुछ का बी और एक ही ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन। चलिए बच्चों, अब राइट जो है आंसर इसका क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं कैसे बी ऑप्शन करेक्ट है, अभी बताते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को 1 मिनट और इस क्वेश्चन पे समय दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे चेक कर लें कि इनको आ रहा है कि नहीं, जल्दी करें। 1 मिनट का सिर्फ समय है बच्चे, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करना है। चलो बच्चों का आना शुरू हो गया, एक बच्चे का नन ऑफ दी जा रहा है, नन ऑफ दीज। चलिए, एक बच्चे का सी ऑप्शन आ रहा है। चलो और बच्चों करो क्वेश्चंस को। चलिए, एक बच्चे का आंसर जो है, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है बी भी आया है। ठीक है बच्चों, चलो समय अब जो है बच्चे आपका खत्म हो गया, जो है एंड हो गया। अब इस पे 1 ही मिनट का समय क्वेश्चन पे था, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आपको। आंसर बी, बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब टाइम, अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बच्चों। 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन पे, जल्दी करो, 1 मिनट का समय है बच्चों, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी करो। इसमें इस तीनों क्वेश्चन को हम जो है बता देते हैं आपको, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में वो बता दिया जाएगा। पहले आप समय जो जितना दिया गया उस इंटरवल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फास्ट करो बच्चे क्वेश्चंस को, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए टॉपिक से जिससे कि क्वेश्चन कम समय में लग पाए। चलो 1 ही मिनट के बच्चे इस पे क्वेश्चन पे समय है, जल्दी करो। चलो बच्चों जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, सबसे कम समय वाला मेथड को अप्लाई करो, आ जाएगा। चलो बच्चों, ये समय जो है आपका ये भी ये समय जो है एंड हो गया। ठीक है, लास्ट जो है इसमें बहुत बच्चों का ए आया, बी, सी बहुत सारे बच्चों का आया हुआ है, डी भी आया कुछ बच्चों का जो गलत है। ठीक है, लास्ट जो है सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है चलो बच्चों, 3 मिनट का समय था और 3 क्वेश्चंस दिए गए, 3 क्वेश्चंस और 3 मिनट्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस 3 मिनट्स। ठीक है, इस पे बस चेक करना था बच्चों का स्पीड कि कितने
स्पीड में इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसको देखते हुए समय को आपको फिक्स कर दिया गया है कि 1 मिनट 2 मिनट जो भी समय दिया जाएगा, ठीक है, उसको फिक्स करके अगर वो टॉपिक आपकी पूरी तरह से तैयार है, रिवीजन हो गया है, तो अब चेक किया जा रहा है कि टॉपिक से आपको क्वेश्चन कितने कम समय में लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही भी दिया है, बहुत छात्रों ने पहले का आंसर सही दिया है, ये बहुत सारे छात्रों ने पहले सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर जो है बी सही दिया है, बहुत ने जो है इस क्वेश्चन का भी दिया। कुछ ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन नहीं लगा पाए हैं, ठीक है, जो समय बीतने के बाद आंसर दिए हैं, ठीक है ना, तो ये समय में क्वेश्चन देना था, 1 ही मिनट में आपको क्वेश्चन करना था। अब हम लोग पहला का आंसर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे लगाएंगे। चलो बच्चे, पहले का आंसर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। ध्यान देना बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग लेके, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है बच्चों, इसको साइन कर लेना बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पाई कॉस स्क्वायर एक्स, बच्चे कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, हमने क्या किया साइन, यहां से पाई कॉमन ले लिया, ये क्या किया बच्चों, वन माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना बच्चों, क्या मिला एक्स स्क्वायर, इसको जो है और एक स्टेप आगे ले जाते हैं, अब इसके बाद आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सिमेट्री रूल से लगाएंगे, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान देना साइन किस पे काम कर रहा है बच्चे, साइन किस पे काम कर रहा है, साइन जो है पाई साइन स्क्वायर पे काम कर, नीचे भी चाहिए पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ऊपर भी लिख दिए बच्चे पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम बच्चे सिमेट्री रूल लगाएंगे, सिमेट्री रूल के लिए कंडीशन क्या होता है बताएं क्लास में, जीरो अपान जीरो या इन्फानाइट अपान इन्फानाइट, ये जीरो अपान जीरो है, इसका क्या रिजल्ट मिलेगा वन, ये ध्यान देना बच्चों, ये रिजल्ट ये इसका ध्यान देना, ये भी जीरो अपान जीरो है बच्चों, इसका भी रिजल्ट क्या मिला वन, फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला बच्चों पाई, ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला पाई, तो ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट पाई करेक्ट आंसर, तो इसको बच्चे नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को, अब इस क्वेश्चन में बच्चों इस क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस कितने की गैपिंग है टू की, कितने की गैपिंग है टू की, कितने की गैपिंग है टू की, यहाँ भी टू की गैपिंग, यहाँ भी टू की गैपिंग, यहाँ भी टू की गैपिंग, यहाँ भी बच्चों कितने की गैपिंग टू की, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है 1/2 कर लो, जितनी गैपिंग होती है बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा किस लिए करते हैं यहाँ समझ में आ जाएगा, 1 - 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/5 बच्चों, प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस यहाँ भी क्या कर देंगे 1/2n+1 माइनस 1/2n+ कितना हो जाएगा बच्चों 3, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से देखो यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, ऊपर 2, इसीलिए हमने नीचे 2 लिख दिया है, जितना डिफरेंस होता है इसमें 1/2 कर देते हैं, जितना भी डिफरेंस 3 होगा तो 1/3 कर देंगे। अब ये स्टूडेंट ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, ए, अब यहाँ पे बच्चों डॉटेड कर देना, आगे भी सीरीज चलेगी और लास्ट वाला कैंसिल करेगा इसको, ठीक है, यहाँ पे 1/2 आ गया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट आ गया बच्चों, 1 - 1/2n+3, ध्यान देना बच्चों ये इनफाइनाइट यहाँ पे रख दोगे, इनफाइनाइट 1/2 1 - 1/ रिजल्ट क्या है बच्चों 1/2, ठीक है, 1 - 0 फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला बच्चों 1/2, इसको नोट कर लो, फाइनल रिजल्ट 1/2, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना था, a क्यूब इसको क्यूब कर देना था, 1 को क्यूब कर देना था, अब इसका ब्रेक कर देना था, यहीं पे लिमिट कितना x टेंस टू 0, यहाँ पे 1 - cos x हो जाता, 1 - cos x ब्रेक करने पे 1 + cos x अब +cos² x बच्चों ये कितना आ गया। अब ये जो x है इसको
एक एक्स एक्स स्क्वायर कर दो बच्चों, एक एक्स यहाँ लिख दो, ठीक है। एक एक्स पहले से था, एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स ऊपर लिख दिए, ठीक है। एक एक्स यहाँ साइन एक्स कर दो बच्चों, यहाँ पे क्या कर दो कॉस एक्स। इसका लिमिट हमको याद है, ठीक है। इसका लिमिट पहले से ही बच्चों को मालूम है क्या होता है, 1/2। इसका लिमिट जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखोगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 0, तो क्या हो गया बच्चों, 1/2, ठीक है। ये क्या मिलेगा यहाँ पे, 1+1+1/1, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला बच्चों, 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। ये 3/2 हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 3 क्वेश्चन 3 मिनट्स, ठीक है। अब चेक करना था कि कितने बच्चे इतने कम समय में क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे पे फिर हम लोग मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस लेके, लिमिट के, फंक्शन के, अलग अलग टॉपिक के, ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आप लास्ट तक देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम, जो बच्चे निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही ये टॉपिक जो है उसको हेल्प करेगी, ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही रहेगा, ठीक है।